किरदार उन्होंने निभाया, कहीं ना कहीं उसने एक रॉन्ग मैसेज दिया। और आपकी फिल्म जो आप लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा मैसेज दे रही है, अवेयरनेस फैला रही है। इट मींस यू आर सेइंग अभिषेक बच्चन वाज रॉन्ग? नो, अभिषेक बच्चन रॉन्ग नहीं हो सकता है। वो जिसने स्टोरी लिखी हो, जिसने डायलॉग्स लिखे हो सकते हैं कि ऐसा कुछ ऑडियंस तक मैसेज जाए। क्योंकि हम कभी भी एक, हम लोग नॉर्मली भी कहीं बात करते हैं, एक बंदा रॉन्ग है, मान लो दो फ्रेंड खड़े हैं, तो एक बंदे को कहेंगे यार ये रॉन्ग है, इससे बात नहीं करना, तो उसको पता भी नहीं है कि ये रॉन्ग है या राइट है। बट नॉर्मली क्या होता है, वो मानने लग जाता है कि शायद ये रॉन्ग ही होगा। okay, ये चीज कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, प्लीज। तो आप ये कह रहे हैं सेफ, फिर मिलेंगे से बेहतर है। अब ये तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि मेरी पिक्चर फिर मिलेंगे, माई ब्रदर निखिल उनसे बेस्ट बनाई है जी, कोशिश की है, और आज के यूथ की फिल्म है, आज के यूथ की कहानी है, पूरा पैशन जोश के साथ पिक्चर बनाई है, तो भोले बाबा इसको उनसे बेटर ही बनाए, दिखाए, आप लोग पसंद करें, मेरी ऐसी हसरत रहेगी। फिल्म को कब तक रिलीज करने का है और कितने थिएटर्स में रिलीज करेंगे? मैं ऑल इंडिया ही कोशिश करूँगा रिलीज़ करने की अपने पूरे एफर्ट्स के साथ। अभी रिलीज़ की कोई मैंने डेट फाइनल नहीं की है, जैसी मेरी रिलीज की डेट फाइनल होगी एक बार फिर आपके रूबरू रहेंगे, आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा, फिर आपको डेट भी सर बताऊंगा। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों कौन से किरदार में नजर आएंगे एक एक करके? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हमारा तीसरा फ्रेंड वो है, तो मैं समर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, ये रंजन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। एड्स के ऊपर पूरी मूवी बनी है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मूवी से हम एक अच्छा मैसेज दे सकें, तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है, एक्टिंग में ध्यान दिया है ताकि, और इसके उन सबके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया। कैरेक्टर्स आपके तरफ से क्या फील था आप लोगों को, किस तरह से किरदार प्ले कर रहे हैं, किस तरह से तैयारियां? देखिए हम तो घर बैठे थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था किस तरह शर्म सर हमें ऐसी मूवी ऑफर करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। तो शर्म सर ने बहुत हेल्प की है, हमारी एक्टिंग बहुत सुधार की है, हमें जो ये एड्स का मुद्दा है इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें बताई हैं। मेरे हिसाब से जो सारा ट्रेलर बनाया जाता है इससे कुछ मूवी का एक आइडिया लगता है, इसमें जो भी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ रखा है, किसिंग शॉट या कुछ ऐसा रखा है, तो उससे ये लगे कि पिक्चर के अंदर जो हम HIV पॉजिटिव से अवेयरनेस दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो फर्स्ट कारण तो यही आ जाता है इस तरह से। मेरी तो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जी, पॉजिटिव है, इसलिए स्माइल फेस के साथ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे मुंह लटका होता। और ऐसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पिक्चर, करीबन 5 महीने से ही रेगुलर पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, हर ब्रिकियों पे ध्यान दिया जा रहा है, पिक्चर क्वालिटी पे, DI पे, डबिंग पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। और फिर से रिपीट करूँगा कि अच्छा ही जाएगा, आप लोग सब पसंद करेंगे, आप लोग भाई लोगों का ही जो एक सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है, कि सबसे मेन चीज़ तो एक ऑडियंस ही है आप लोगों के, जो हमारा एक करेक्ट मैसेज है कि हम करेक्ट लोग हैं या ठीक है, हमारा पिक्चर ठीक बना है, लोग उसको उस तरह से ही बेहतरीन तरीके से मैसेज पहुँचे आज, इसीलिए फर्स्ट में आया, ये पब्लिकली आया हूँ जी इस मैसेज को लेकर। हेल्थ मिनिस्टर जी से बात हुई, अनिल विज हैं, BJP से ही हैं, हरियाणा से, उनसे मेरी बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं टैक्स फ्री 101% हो जाएगी, मेरी बात हो चुकी है। थैंक यू। मैं कुछ बोल लूँ उसके बाद आप प्रश्न कीजिएगा मुझसे। मुझे अनिल शर्मा जी जो मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया कि मल्होत्रा जी आप आइए और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। तो मैं आया यहाँ पर, मैं 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में बतौर चरित्र अभिनेता के रूप में कार्यरत हूँ, करीब 200 हिंदी फिल्में, 60-70 भोजपुरी, काफ़ी सीरियल किए, लेकिन वो मुकाम नहीं पकड़ा कि देव मल्होत्रा का नाम लेने से जो मल्होत्रा की छवि सामने आ जाए और सारे लोग पहचान ले, जब तक वो मुकाम नहीं पकड़ेगा आदमी कभी आगे नहीं जा सकता। राम तेरी गंगा मैली मेरे, राज कपूर से बढ़ के खुद डायरेक्टर नहीं है, वो सेक्स को रखता है क्योंकि एक लॉबी है सेक्स की, लेकिन सेक्स को ऐसा दिखाते हैं कि पब्लिक गंदा भी ना लगे। ट्रेन में माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ऑडियंस उसी को देखती है और कहीं नहीं जाती। अब जो गंदे लोग हैं उस पर गंदा विचार रखेंगे, जो अच्छे लोग हैं अच्छा विचार रखेंगे। तो इन्होंने जो फिल्म बनाई है